कोरोना लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल और अन्य वाहनों से जानलेवा यात्राएं कर रहे हैं। इस कठिन सफर में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को खाने पीने सहित जरूरी सामग्री का संकट झेलना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों के इसी कठिन सफर को राहत देने के लिए डिस्ट्रिक्ट छतरपुर क्रिकेट एसोसिएशन की पहल पर रविवार से समाज सेवियों ने सेवा की मुहिम शुरू की है। डीसीसीए के अध्यक्ष विनय चौरसिया और सचिव राजीव विल्थरे के द्वारा ऐसे प्रवासी मजदूरों को आम जनता के सहयोग से खाने पीने की सामग्री, जूते चप्पल और कपड़ों के वितरण का कार्य शुरू किया गया है। रविवार को नगर के कुछ समाज सेवियों ने इस मुहिम में अपना सहयोग भी दिया, जिसके बाद इस सेवा मुहिम के चलित वाहन के द्वारा बस स्टैंड पर दर्जनों मजदूरों और उनके बच्चों को सामग्री वितरित की गई। डीसीसीए के अध्यक्ष विनय चौरसिया ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की सेवा की ये मुहिम आम जनता के सहयोग से शुरू की गई है। डीसीसीए एक क्रिकेट संगठन है, इसके बावजूद मजदूरों की पीड़ा को देखते हुए संगठन अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल इस सेवा में कर रहा है। मुहिम के तहत शनिवार को आम जनता से सहयोग की अपील की गई थी। इस अपील के बाद लोगों ने संपर्क करके सामग्री भेंट की है। डीसीसीए के अध्यक्ष विनय चौरसिया ने बताया कि इस मुहिम के तहत डीसीसीए ने छतरपुर झांसी हाईवे पेप्टिक टाउन के सामने एक श्रमिक सेवा केंद्र प्रारंभ किया है, जहां श्रमिकों को उक्त सामग्री भेंट की जाएगी। इसी तरह छत्रसाल चौक पर कांग्रेस भवन के नीचे एक कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है, जहां पर लोग जूते चप्पल, कपड़े और पैकेट बंद फूड का दान कर सकते हैं। संस्था के द्वारा एक चलित सेवा वाहन भी बनाया गया है, जो कि सामग्री लेकर हाईवे पर चल रहे श्रमिकों को सामग्री का वितरण करता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो एक से भी ज्यादा वाहन चलाए जा सकेंगे, ताकि हर हाईवे पर सेवा का कार्य पूरा किया जा सके। इस सेवा कार्य में सुनील चौरसिया, वीरली सहित डीसीसीए के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ये डीसीसीए द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास किया गया है, और हम लोगों ने आके डीसीसीए के साथ यहाँ वितरण किया है। गरीब मजदूर जो देश के अन्य शहरों से यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, सड़कों पर नंगे पैर चल रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, चप्पलों की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग ये डीसीसीए द्वारा ये बहुत ही उत्तम और बहुत सराहनीय कार्य किया गया। हम लोगों ने भी साथ में आदरणीय अध्यक्ष जो विनय चौरसिया जी हैं डीसीसीए के, उनका सहयोग किया है। डीसीसीए द्वारा ये जो जिस प्रकार की ये मुहिम चलाई जा रही है, वैसे तो संपूर्ण भारत में समाज सेवियों द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर नगर में डीसीसीए द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, ये अनुपम एवं अनूठा प्रयास है, ये अनुकरणीय प्रयास है, और छतरपुर नगर को, डीसीसीए को बधाई एवं उनको शुभकामनाएं छतरपुर नगर की ओर से, और उनके लिए ये प्रार्थना की जा रही है कि वो और भी बढ़ चढ़कर प्रवासी भारतीयों और मजदूरों को उसी प्रकार सहयोग करते रहें जिस प्रकार से उन्होंने ये सार्थक पहल प्रारंभ की है। मेरी और मेरे संस्थान की ओर से उनको शुभकामनाएं और बधाई। इस मौके पर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल ने कहा कि ये एक अनूठी पहल है। हर कोई टीवी पर प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा देख रहा है और उनकी मदद करने का जज्बा रखता है, लेकिन डीसीसीए ने एक रूपरेखा बनाकर सेवा का जो कार्य शुरू किया है, उससे दान करने वालों को भी सहायता मिलेगी। जो यह मुहिम डीसीसीए द्वारा जिस तरह से चलाई जा रही है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, खाने को नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और डीसीसीए द्वारा जो कार्य किया उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं महाराजा छत्रसाल स्मृति सो संस्थान की तरफ से डीसीसीए के अध्यक्ष श्री विनय चौरसिया जी एवं उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं और उनके प्रयास की सराहना करता हूं।